ये तो किट्टी है तो, और ये सारे पगले 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 पगले, ये एक अलग है भोटिया बीच में सारे पगले, तीन पगले। पगलों की फौज आ चुकी है, टेनन टेनन। पगलों की फौज, हेलो। इसी और बनाइए लंडे की, ये मालिक है सारे पक्का चार्ट। ये तो शेर खान टाइप है भाई, और खोल ले टीटू डुक्कू भी निकाल देता, खड़ा था मर गया तू। अगर आप भी देखना चाहते हैं कबूतरों के एक्साइटिंग वीडियोस और भी जानवरों की, तो जल्दी से इस लाल बटन को दबाएं और साथ में इस रिंग आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं कि अगर हम सोच रहे हैं पग के लिए कि पग एक बहुत अच्छी ब्रीड है और उसकी प्योरिटी हम कैसे चेक कर पाए अगर आप बेबी लेने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, पग एक ऐसा डॉग है कि हर जगह पर एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो फ्लैट्स के अंदर हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो छोटा घर हो। और सबसे अच्छी बात है, फ्रेंडली होते हैं ज़्यादा, मतलब एज अ गार्डिंग डॉग नहीं है, एज अ टॉय डॉग है, ये टॉय ब्रिड होती हैं, टॉय ब्रिड्स के अंदर आते हैं। प्लस अलग अलग फीचर के होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी, छोटे छोटे से होते हैं, सुंदर सुंदर से। डाइट प्लान अगर देखा जाए ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते। डाइट जो इनकी होती है वो भी ठीक होती है और आप इजली इन्हें पाल सकते हैं। और बाकी बात करते हैं इनकी पहचान की, तो लेके चलते हैं आपको अपने पग की तरफ और दिखाते हैं आपको कि पग अगर आप लेना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में बेबी, तो आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखें जिसमें आपको चल जाए पता कि हाँ आप पग ले रहे हैं। तो भाई आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो चीज़ें, ताकि आप प्योर डॉग खरीद पाएँ और बेकार नकली कोई चीज़ लेके ना आए अपने घर पर। और कॉस्टिंग की भी बात करेंगे इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो में, इसी के अंदर वीडियो के अंदर ही। तो लेके चलते हैं पक्की और दिखाते हैं अपने कालू को। दोस्तों, लेके आ चुके हैं ये हमारा डॉगी रेक्स और ये एक प्योर पग है, ब्लैक कलर के अंदर है। तो बात कर लेते हैं इसकी बारीकियों की, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अब आप एक पग लेके आ रहे हैं अपने घर के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आपके पास जो चीज़ आए वो प्योरिटी के अंदर आए, अनप्योर ना आए। ठीक है, तो हम आज उन चीज़ों पर बात करेंगे, प्योरिटी वाली चीज़ों पर। जो एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास लेते हैं कैमरा ताकि आपको डिटेलिंग समझ आ पाए। पहले तो आप इसका फेस देखिए, नोज इसकी हमेशा काली रहेगी हमेशा, आप चाहे कोई भी कलर ले लें, इसके अंदर ब्लैक ले लें या फॉन कलर ले लें। ऑलमोस्ट इसकी नाक और इसका ये हिस्सा, ये कंप्लीट काला रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये अंदर की तरफ पिचकी हुई रहती है बिल्कुल, जितना ज़्यादा पिचकी हुई होगी उतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ये। और किसी की अगर ये चीज़ बाहर निकली हुई है तो आप वो मत लें बिल्कुल भी, क्योंकि वो प्योरिटी में नहीं आएगा, वो अनप्योर में आएगा। तीसरी चीज़, जो इसके ईयर्स होते हैं वो बिल्कुल ट्राई शेप में होंगे और नीचे की तरफ बेंड होते हैं, वो खड़े हुए नहीं होते। सोचे कि अगर आप ऐसा डॉग लेके आ रहे हैं तो वो आपका पग नहीं है भाई, वो फिर क्रॉस में है कहीं ना कहीं। ठीक है, चौथी चीज़, इसके चेहरे पर अगर आप देख रहे हो ब्लैकनेस के कारण इतना दिखता नहीं है, लेकिन रिंकल्स होते हैं, जितने ज़्यादा रिंकल्स उस बच्चे के चेहरे पर पड़े होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, और ये वाइटनेस इसलिए क्योंकि देखो इसकी एज होती जा रही है, लगभग 2.5 से 3 साल का ही है, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी थोड़ा वाइटनेस तो थोड़ी बहुत आती है, वो बुढ़ापे की निशानी है बेचारे की अभी। ए, चुप। आंखें जितनी ज़्यादा बड़ी हों उतना ज़्यादा बेटर है, आंखें अगर आंखों के आप डेले देखें इसके तो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, गोल मटोल एकदम, तो जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ज़्यादा बेटर है। इसका बस नहीं चल रहा है, मेरा मुंह चट लेगा इस समय, चल बदतमीज। ठीक है, और अब बात आती है पंजे वगैरह पे, पंजे छोटे होते हैं, हाइट इसकी काफ़ी कम रहती है, हाइट अगर देखी जाए तो लगभग 1 फुट, 1 से 1.5 फुट, 1 से 1.25 फुट के करीब रहती है इसकी हाइट जमीन से ऊपर तक। तो इसलिए किसी भी घर में इजिली ये सेटल हो सकते हैं, आराम से आप पाल सकते हो इन चीज़ों को। और डॉग अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर आती है
वो मैं दिखाता हूँ, इसकी टेल खड़े हुए, इसकी टेल जो होती है बिल्कुल छोटी सी होती है और बिल्कुल राउंड होगी, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। एक्चुअली कुर्सी पे बैठा रखा तो डर रही है काफी, तो मैं आपको टेल दिखा दूँ इसकी। ये टेल देखिए आप, बिल्कुल छोटी सी है और राउंड होती है, बिल्कुल घुमी हुई होगी। तो सिर्फ मेन इसकी ये पहचान थी जो हम आपको मैंने बताई। और एक चीज़ और, ये जो आपके आप डॉग लेंगे पग, तो पग के अंदर आपको एक चीज़ और देखनी है। एक तो उसका ये चीज़ फेस, इतना फेस नाक से लेकर के ये नाक और यहाँ से नीचे तक, ओए रुक जा, ये पूरा फेस ये काला रहेगा, प्लस ईयर्स इसके काले रहेंगे, चाहे वो ब्लैक हो, ब्लैक के तो ब्लैक ही रहेंगे, प्लस ब्राउन होगा तो ब्राउन के भी यहाँ से ब्लैक होंगे ईयर्स, जो कान है उसके, प्लस जितने ज़्यादा रिंकल्स हो उतना ज़्यादा बेटर है। डाइट इसकी नॉर्मल होती है, रेट इसका लगभग जो स्टार्टिंग होती है मेल की, फॉन कलर का मेल आपको 8,000 से 12,000 तक का मिल जाता है, जबकि ब्लैक कलर का मेल आपको 12,000 से 14,000 या 15,000 तक का पड़ सकता है विदाउट केसीआई रजिस्टर्ड। केसीआई लेंगे तो वो उस अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाते हैं, क्योंकि लगभग केसीआई का खर्चा भी 3,000-3,500 तक आता है एक केसीआई डॉग का। तो उसमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि आपको केसीआई चाहिए विदाउट केसीआई। अगर आपको डॉग शो में उतारना है डॉग, तो आपको केसीआई लेना अनिवार्य है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ अपने शौक के लिए, घर के लिए चाहिए, तो आप विदाउट केसीआई भी ले सकते हैं किसी जेन्युइन बायर से। आप हर एक जगह से जाके कहीं से मत ले लें, क्योंकि काफ़ी लोग चीट भी करते हैं इस चीज़ों में। तो ये जो मेन मेन पहचान मैंने आपको बताई है, मेन पहचान है पग की, जिससे आप इजिली गाइड कर सकते हैं कि आप जो चीज़ ले रहे हो वो प्योरिटी के अंदर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, कान इसके भी ट्राइंगल शेप में होते हैं और नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं, फिलहाल अभी ये प्यार कर रहा है तो इसलिए कान इसके पीछे की तरफ है और ये लगातार इस तरीके से चाटता रहेगा। ये देखो रैक्स नो चलो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेन मेन हमारे पग की पहचान, ये है हमारा रैक्स। कैसा लगा हमारा रैक्स जरूर बताइएगा, और एक दो चीज़ आपको और इसकी दिखाता हूँ, जस्ट वेट लो। क्या नाम है इसका? देखो बेटा, इनका नाम है टीटू। सो मोस्टली मेन चीज ये थी, आज आने का सिर्फ मेन कंसेप्ट ये था कि चाहे वो फॉन कलर हो चाहे वो ब्लैक कलर हो, इतना फेस आंखें और ईयर्स जो है उसके बिल्कुल काले रहते हैं, ये देखिए आप। और रिंकल्स की क्वालिटी मेरे डॉग से ज़्यादा अच्छी है इस वाले की भी, और जो पहले आपको डुग्गू दिखाया था उसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो कहाँ गया? ये रहा, ये देखिए आप, ये लड़ाकों में से एक, लड़ने वालों में से। तो आपके लिए एक मैसेज कि आपको अगर ऐसा पग कहीं मिल रहा हो इतनी स्पेशल क्वालिटी वाला, तो कृपया आप परचेज ना करें, क्योंकि इसकी जीभ जो है परमानेंट बाहर रहती है, इसे कोई बीमारी नहीं है, ये इसी की दूसरी स्पाइस होती है। देखने में अब सुंदर लग रही है, लेकिन अगर हाथ डालोगे तो भाई गंदी लगेगी देखने में। और मोस्टली इसकी जीभ इतनी बाहर रहती है, इसकी जीभ कम बाहर है, अगर आप इसमें और क्वालिटीज देखेंगे तो लगभग आपको 3-3 इंच तक जीभ बाहर दिखेगी, ये लगभग 2 इंच के करीब जीभ बाहर है इसकी। तो ऐसी क्वालिटी अगर आपको ऐसी क्वालिटी दिखे तो प्लीज आप परचेज ना करें पग में, खासकर मुंह चटवाए। तो ये देखें अब एग्जैक्ट एंगल जो है ये है इसका, थोड़ा दूर हो गया हूँ इससे तो थोड़ा शांत दिखेगा आपको। कान बिल्कुल बेसिकली ऐसे रहेंगे, कान गिरे हुए एकदम, कान खड़े हुए बिल्कुल मत लेना, जितना मूव पंच फेस हो उतना पंच अच्छा है इसके लिए। नोज ब्लैक, ईयर्स ब्लैक, टेल राउंड, टेल जो है राउंड रहेगी, देखिए आप इस तरीके से। रैक्स अप अप, वेरी गुड वेरी गुड गुड डॉग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रैक्स, हमारा पग, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और जिस भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। प्लस नोटिफिकेशन बेल जरा दबाना बहुत ज़रूरी है, तो नोटिफिकेशन बेल चेक कर लें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, कि रिंग आइकन जो है आपका वो दबा हुआ है या नहीं है, जो बेल है वो उसे दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, और आपको डॉग्स के रिगार्डिंग कैसी कैसी वीडियोस और चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी और ब्रीड का डाल सकते हैं, सपोज दैट कोई और ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड है, सेंट बर्नार्ड है, जो ब्रीड्स अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बता सकता हूँ कि ये अच्छी हैं आपके लिए, और लगभग क्या कॉस्टिंग की पड़ती है, इसकी प्योरिटी क्या है, तो वो ज़रूर मैं आपके लिए वाली वीडियोज़ भी बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों,
तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। प्लस चलते हैं भाई, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ यू पेट्स, बाय बाय।